मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मिट्टू आज क्या पता खुले रखे है, तो मेरे रूम में आ रहा है, जा रहा है, यही कर रहा है। थोड़ी सी जगह है जहाँ से निकल रहा है, अंदर आ रहा है, बाहर जा रहा है, यही काम कर रहा है। और अभी कोने में जाके चुपचाप बैठ चुका है। बेटा बेटा मिट्टू नो, जाओ बाहर जाओ, लो चलो बाहर। मैंने नहा लिया है, फेस वॉश करना मेरा बाकी है, तो एक बार फेस वॉश कर लेती हूँ। और फेस वॉश करने से पहले जो मैं कल लेके आई थी मेरा डार्क स्पॉट रिमूवर, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत अच्छा इफेक्ट मेरे फेस पर दे रहा है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और आज का डे है कुछ रेनी और लेज़ी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी हो गई हूँ आज। मुझे कुछ भी करने की इच्छा नहीं हो रही है। कभी कभी होता है ना, कोई दिन ऐसा होता है कुछ करने की इच्छा नहीं होती है, बस वही दिन है आज मेरे लिए। तो बड़ी मुश्किल से अभी मैं 11 बजे तो नहाई हूँ, और नहाने के बाद अभी कर रही हूँ मेरा स्किन केयर फॉलो। तो स्किन केयर फॉलो करने से पहले मैं मेरे स्किन केयर का एक बार अनबॉक्स कर दूँ। तो कुछ इस टाइप की पैकेजिंग है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और मेरा एक डार्क स्पॉट रिमूवर है वो ख़त्म हो चुका है, और उसने मेरे फेस पर बहुत ही अच्छा इफेक्ट दिखाया है, बहुत ही ज़्यादा एकदम रॉयल पैकिंग है। मैं अनबॉक्स में बहुत ही ज़्यादा बुरी हूँ, है ना, उससे पक्का फटेगा ये। नहीं फटा, नहीं फटा, क्योंकि नहीं तो मुझे चिकू से डांट करनी पड़ती। दिस इज द माय डार्क स्पॉट रिमूवर। और अभी मैं स्किन केयर में सिर्फ 3 चीज़ें फॉलो कर रही हूँ, जो कि है फेस वॉश, टोनर और डार्क स्पॉट रिमूवर, जो कि मेरे फेस पर बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट दे रहा है। अब डे क्रीम, नाइट क्रीम भी मुझे परचेस करनी है, बस बहुत जल्दी एक दो दिन में कर लेते हैं परचेस, क्योंकि रिजल्ट काफ़ी अच्छा आ रहा है फेस पर इसलिए। तो एक बार फेस वॉश करके आती हूँ। फेस वॉश हो चुका है। मैं हमेशा फेस को डैम्प ड्राई करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा ड्राई करने से क्या होता है ना, हमारा जो स्किन केयर है वो वर्क नहीं करता है, टोनर अच्छे से काम नहीं करता है। तो नॉर्मल डैम्प ड्राई करके फिर ऊपर टोनर लगाती हूँ, तो स्किन काफ़ी फ्लॉलेस होती है। डैम्प ड्राई कर दिया है, अब लगा देती हूँ मेरा टोनर। अब टोनर लगाने के लिए मुझे दोनों हाथों की ज़रूरत होगी। टोनर एंड डार्क स्पॉट रिमूवर। बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस है इसकी। बिंदी लिप बाम, चिट,
अब हो जाता है पूजा टाइम, तो अब पूजा कर लेती हूँ, रेडी तो हो गई हूँ। पूजा हो चुकी है और हमने खाना भी बना लिया है। आज मैंने पूजा करते हम तुरंत फिर मम्मी और हम दोनों खाना बनाने के लिए चले गए थे। तो सुबह नव और हिया की बनाई थी टिफ़िन में भिंडी की सब्जी और आलू, आलू और भिंडी की सब्जी। और अभी बनाई है मम्मी ने मीठी दाल तोर की, तो रोटी दाल चावल सब्जी वही थोड़ी थोड़ी है तो वही खा लेंगे। हालांकि दाल और ये सब है पर हिया और नव के लिए जो सब्जी बनाई थी वो थोड़ी सी है। तो अभी चिकू भी आते हैं जैसे ही खाने, हम तीनों का खाना लगा देते हैं। यहाँ पे खाना हम तीनों जनों का भर के रख दिया है, वो रोटी चावल और ये नमकीन भी ली है, नमकीन और प्याज लेके आई हूँ। और चिकू भी आ गए, खाना हो चुका है, अब चल रहे हैं शॉप पे। निपेश जी हमको शॉप पे रख दो। क्या कर रहे हो, मेरे को दिख नहीं रहा है अभी तो यही कहने वाला था, दिख नहीं रहा है क्या कर रहे हो? इसलिए मैंने कह दिया कि मेरे को नहीं दिख रहा है, बताओ क्या कर रहे हो। मक्खी तेरे गाल पे बैठा तो बहुत सारी मक्खी होगी, वो एक मक्खी यहाँ पे भी आ गई। अब नहीं मक्खी, नहीं कोई नहीं बैठा। रुको नाक पे क्या हो गया ये? ये नाखून ये बंद करो यार, बहुत ज्यादा गड्ढे पड़ रहे हैं। चेंज करने चश्मे, अभी कल जा रहा शूट मिलता थोड़ी मुझे वापस। इट्स नेचुरल थिंग। शॉप पे आने के बाद आज पूरा दिन हमने काम किया है, मैंने काम किया है, जो सीखने आ रहे थे उनको थ्योरिकल पूरा आज लिखवाया है। और पीछे ही पीछे आज मेरा राखी का भी ब्लाउज बन के आ गया है, तो लाख राखी के लिए बहुत जल्दी आपके पास ट्यूटोरियल आने वाला है। रोशनी मेकअप का ट्यूटोरियल राखी पर किस पर बना है? इसी साड़ी में बना दूं? कॉटन वाली जो मैंने अभी ले ली है। साड़ी में देखी नहीं, मैं सिर्फ ब्लाउज ही ले गया। ठीक है बताती हूँ मैं साड़ी। तो बहुत जल्दी हम मेकअप का ट्यूटोरियल भी लाने वाले हैं आपके लिए, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और बाकी के ट्यूटोरियल्स के बारे में भी सोच रही हूँ। यश की शादी में जितनी भी ड्रेसेस ली थी सबके ऊपर आपके पास धमाकेदार अब एक ट्यूटोरियल लाने। और मम्मी के भी सारे लहंगे लेके आ जाऊँगी, मम्मी के भी लहंगों पर बनाऊँगी ट्यूटोरियल, सबके ले आऊँगी, फिर बनाऊंगी ट्यूटोरियल पे ट्यूटोरियल। और आज पूरे दिन से लेजी डे है यार। आपके ऊपर ही बनाना है? यानी कहने का मतलब आप समझ रहे हो, सब आपके ऊपर ही बनाओगे? यानी मेरे पे भी बनाना है यानी? फिर यूं नहीं जिद करोगे कब आएगा मेरा ट्यूटोरियल? मेरा ट्यूटोरियल कब से बना है वो वीडियो, आपने किया ही तो नहीं है। आज को बोल देते हैं, आज फाइनली एडिट करवा देते हैं, फाइनली आज एडिट करवा देते हैं। अब आएगा कब वो नहीं पता, वो सुबह आ जाएगा। हेलो, हाँ हेलो, ठीक है बात, चलो मैं जा रही हूँ घर पे, 6:30 हो गई है, आप भी निकलो थोड़ी देर में, ठीक है? आधे घंटे में चले जाते हैं, बस बातें करते हैं, बस बातें करेंगे अभी, मस्त। कैसी बातें करते हैं? अच्छी, टीवी देखेंगे, कोई एसी चालू करवाएंगे, ठंडा लगेगा। चलो मैं ले लूं कौन का हूं बनाओ इडली सांभर, मां भी पकौड़ी दो, आधा आधा शादी में पकौड़ी पकौड़ी बनाओ। हां अच्छी लगती है। या मायरा आयशु स्लीपर पहन लो, चलो अपन तो जाते हैं घर पे। बहु 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 क्या हुआ? चलो ओ मेला चिकू आ गई। चिकू आ गई, क्या कर ली थी? पाँच में टाल के क्या चढ़ रही था? ये क्या खिला रहे हो? इमली
यम्मी कोको आकर 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 नहीं खाएगी, इसके हाथ में दोगे तो ही खाएगी। कोको है, खा लो खा लो। मुंह देखना क्या खा लो, सोच रही है क्या खिला क्या दिया मुझे। तो पापा खाने में बोला है, पापा ने आज पकौड़ी बनानी है, तो पकौड़ी की तैयारियां करते हैं। आज आप भी हेल्प करोगे मेरी पकौड़ी बनाने में। तो एडिट कौन करेगा? एडिट हिम्मी कर देगी, हिम्मी एडिट कर देगी। अभी क्या घर पे थोड़ी सफाई चल रही है इसलिए। हाय कर दो चलो। लोग जो थी ना, कैसी थी कोको, कैसी थी? अच्छा, अच्छी थी। तो खाई क्यों नहीं? चाचू ने दूसरी दी थी तो भी। काच काच ओ ये बार बार बुआ बुआ तो अभी यहाँ पर पकौड़ी का गोरन मैंने तैयार कर दिया था, तो मम्मी अभी पकौड़ी निकल रहे हैं। मैं ये आलू आलू छील विल के देती हूँ। मम्मी बैठ गए ऊपर, गैस पे बैठ गए। नहीं ऊपर एक और लू, एक एक सिर्फ एक ही सिर्फ एक। मम्मी पतला कर दो गोरन इसके। पकौड़ियाँ यहाँ फाइनल बन गई है। मैंने खिचड़ी बना दी है, खिचड़ी कम ही बनाई है क्योंकि सब्जियों को कम कम ही है। और मम्मी पकौड़ी हाँ निकाल दी। और मैं यहाँ पर दो तीन दिन के कपड़े हो गए इकट्ठे, तो वो समेट रही हूँ। हाँ काट दी थी मम्मी ये कपड़े, जो समेट रही हूँ। और थोड़ा ही डाइनिंग पे भी सही हो जाएगा क्योंकि डाइनिंग पे तो खाना खाने की तो जगह ही नहीं बची है। तो अब थोड़ी देर के बाद हम करेंगे हमारा डिनर क्योंकि पकौड़ियाँ खा के सबके पेट फुल हो गए। यहीं पर कर देती हूँ मैं ब्लॉग का एंड। अगर आज का ब्लॉग देखने के बाद अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। मिलते हैं कल के अच्छे से ब्लॉग में। ओके बाय।